विश्व पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता भारत अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा। ये महत्वपूर्ण समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के नव निर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगी। दिल्ली में होने वाली G20 सम्मेलन से पहले सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आने से पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर स्कूल कॉलेज तक बंद करने की तैयारी है। G20 सम्मेलन को देखते हुए 8 से 10 सितंबर तक राजधानी में सार्वजनिक अवकाश यानी कि छुट्टियां की जाएंगी। इन 3 दिनों में स्कूल कॉलेज और दफ्तरों में छुट्टियां रहेगी। इसके अलावा VIP मूवमेंट वाली जगहों पर ट्रैफिक में बदलाव किया जाएगा। दिल्ली वालों के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी भी पुलिस देगी। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं इस समिट को लेकर दिल्ली कितनी तैयार है। 7 तारीख रात 12 बजे से नई दिल्ली समेत प्रतिबंधित जगहों के आसपास नियम लागू हो जाएंगे। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में स्पेशल तैयारी। VIP मूवमेंट के चलते 8 से 10 तारीख तक नई दिल्ली के सभी ऑफिस, मॉल्स और मार्केट बंद रहेंगे। बड़े पैमाने पर होगा VIP मूवमेंट। DTC की बसों को भी नई दिल्ली से सटे दूसरे इलाकों से ही डाइवर्ट या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इंटरस्टेट बसें भी गाजीपुर, सराय कालेखां और आनंद विहार पर ही टर्मिनेट कर दी जाएंगी। गुड़गांव की तरफ से आ रही बसें रजौखरी बॉर्डर पर रोक दी जाएंगी या महरौली की तरफ भेज दी जाएंगी। हैवी और मीडियम गुड्स व्हीकल को एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं बॉर्डर से केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, पेट्रोलियम के ट्रकों को ही एंट्री दी जाएगी। 8 से 10 सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय जैसे कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जा सकता। आपको बता दें कि भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की प्रेरणा के साथ अपनी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन करने जा रहा। वैसे तो पूरे भारत में G20 की बैठक अलग अलग राज्यों में हुई है। इस बैठक के बाद भारत 1 दिसंबर 2023 को G20 देशों की आधिकारिक अध्यक्षता इंडोनेशिया से ले लेगा। अगले एक साल तक उसकी अध्यक्षता में G20 देशों की प्रगति रूपरेखा तैयार होगी। G20 में 19 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष और यूरोपीय यूनियन शामिल है। G20 समूह समिट का विचार 1999 में आया था, जब इन समूह देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था और वित्तीय मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच पर आए थे। कैसा है G20 का स्वरूप? G20 में वो देश शामिल हैं जो विश्व की आबादी का 2/3 है। विश्व व्यापार की करीब 75% हिस्सेदारी भी इन्हीं देशों के पास है। इतना ही नहीं, ग्लोबल GDP की बात करें तो इन देशों की उसमें हिस्सेदारी 85% है। सन 2007 के संकट के बाद G20 को राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर तक ले जाया गया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच का नाम दिया गया। G20 समिट में ये देश होंगे मेहमान। इस बार के शिखर सम्मेलन में मेहमानों की लिस्ट में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब अमीरात UAE शामिल है। इन होटलों में ठहरेंगे मेहमान। यूरोपीय यूनियन को हटाकर G20 में 19 शक्तिशाली देश शामिल हैं। इसमें प्रमुख रूप से ताजमहल, शांग्रीला, मौर्य शेरेटन, ताज पैलेस, ली मेरिडियन, ओबरॉय और लीला होटल शामिल है। सभी होटल अपने सेवा मानकों के अलावा भी अपनी भोजन व्यवस्था में भी सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा कई अस्पताल भी कुछ विशेष भर्तियां इस शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कर रहा है। ये ताकतवर देश है G20 के सदस्य। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, रूस, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। विश्व के एजेंडे को भारत तय करेगा। भारत की कूटनीति इस समय सफल चल रही है। भारत पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ संतुलन संबंध बनाकर चल रहा है।
इस समय भारत की नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका की ओर बढ़ रही है। वही G20 मंच की अध्यक्षता उसे वैश्विक एजेंडा तय करने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगी। दुनिया में इस समय स्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में भारत G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभा रहा है। भारत के पास बड़ी सोच के साथ बेहतर नतीजे देने की क्षमता है। दुनिया के अधिकांश देश भारत की वैश्विक चुनौतियों से निपटने में पहल की आस लगाए बैठे हैं।